कल करवा चौथ के कारण मुझे कुछ सामान लेने बाजार जाना था। मैं बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने साटन की लाइट कलर की पिंक ब्रा और पैंटी पहनी, फिर कॉटन का पीला पेटीकोट पहना, सर के ऊपर से और कमर में नारा बांध लिया। मैंने स्लीवलेस लाइट ब्लू कलर का प्रिंटेड ब्लाउज पहना, उसके बाद पीले कलर की प्लेन साड़ी निकाली जिसके पूरे बॉर्डर पर सुनहरे मोतियों की माला थी। मैंने साड़ी को अच्छी तरह पहना, प्लेट सेट की और पल्लू भी सेट किया। उसके बाद पैरों में पतली पायल, गले में हैवी सी सोने की चेन, सीधे हाथ में हैवी सा चौड़ा आर्टिफिशियल हैंडबैंड, दूसरे हाथ में रिस्ट वॉच, उंगली में सफेद मोती जड़ी हुई रिंग, कानों में मोती वाले टॉप्स, नाक में नोज रिंग। उसके बाद मैंने बालों को सेट किया अच्छे से, आईब्रो पर आईब्रो लाइनर, पलकों पर ब्रश से लाइट ब्लू कलर, उसके बाद ऑय लाइनर यूज किया, माथे पर छोटी सी बिंदी, होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई और लिप लाइनर भी लगाई, कान के पीछे, क्लीवेज पर, नाभि में, कलाई में, अंडर आर्म्स में मैंने परफ्यूम लगाया। उसके बाद अपने आप को शीशे में निहारा। ओह माय गॉड, मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी दिख रही थी कि कहीं मुझे खुद की ही नजर न लग जाए। साड़ी में से मेरे नितंबों का उभार, ब्लाउज में से मेरे बूब्स का उभार बहुत ज्यादा कातिलाना लग रहा था। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर के सैंडल पहने अपना लेडीज पर्स लिया और निकल गई शॉपिंग के लिए। जैसे ही बस में चढ़ी, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या बच्चे मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। आंखों ही आंखों में मानो वो सब मेरा बलात्कार कर रहे हो। उस भीड़ में एक शादीशुदा जोड़ा भी था जिनकी शादी को ऐसा लग रहा था मानो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो लड़का मुझे देखे जा रहा था। लड़की ने कई बार उसको इशारे से मना भी किया लेकिन वो माना नहीं। फिर मेरा स्टैंड बल्लभगढ़ आ गया। आप सभी को बता दूं, फरीदाबाद से बल्लभगढ़ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बल्लभगढ़ में बहुत अच्छी मार्केट है शॉपिंग करने के लिए। जब मैं उतरी तो ऐसा लगा कि पूरी बस पैसेंजर का दिल मेरा साथ उतर गया। ऊपर से मैंने हंसी और छोड़ दी सबको घायल करने के लिए। लेकिन 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 उस नए शादीशुदा जोड़ा के उस लड़के की मुझ में दिलचस्पी के कारण उनको मेरे पीछे उतार ही लाया। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ वो मेरे पीछे आए। लेकिन मैंने देखा लड़की लड़के के इस व्यवहार से खुश नहीं थी। वो उसे रोक रही थी, डांट रही थी, हल्के हल्के हाथों से उसके कंधों और पीठ पर थप्पड़ से भी मार देती थी। लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला था, वो तो जैसे मेरे मोह जाल में फंस गया हो। मैं कपड़े लेने शॉप में एंटर करूँ, वो भी मेरे पीछे पीछे एंटर हो जाए। मैं ज्वेलरी की शॉप में एंटर हुई, वो भी मेरे पीछे पीछे। मैं गोलगप्पे खाने लगी, वो भी खाने लगा। उसकी वाइफ ने तो गोलगप्पे की प्लेट उसके ऊपर ही डाल दी। उसकी शर्ट गंदी तो नहीं हुई लेकिन गीली जरूर हो गई थी। हद तो तब हो गई, मैं ब्रा पैंटी की शॉप में एंटर हुई, उसकी वाइफ ने मना कर दिया, वो अकेला ही आ गया। मुझे काफी देर हो गई सेट को सेलेक्ट करने में। दुकानदार ने पूछा कि हाँ भाई साहब क्या चाहिए आपको, वो बोला ब्रा। सभी औरतें उसकी तरफ देखने लगी। तभी उसने अपनी बाहर खड़ी वाइफ की ओर इशारा किया उसके लिए। ये सीन देखकर सभी हंसने लगे। दुकानदार बोला वाह वाह वाह, वाइफ बाहर खड़ी है और हस्बैंड ब्रा लेने आया है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ भी हंस पड़ी। मुझे भी हंसता देख उस लड़के की हिम्मत बन गई। वो बोला आप एक बार बाहर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं बाहर आ गई। उसकी बीवी ने तो हंसते हुए अपने हस्बैंड की खिंचाई करते हुए पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे वो मुझ पर फिदा है। वो बोला आप मेरी दोस्त बन सकती हो। मैं बोली देखो मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, ये सारी हरकतें आपकी वाइफ ने भी देखी हैं। आपकी और मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकल सकता है। वो लड़का जैसे निराश हो गया लेकिन लड़की के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन 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 मैं बोली ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है। वो बोला कैसे।
मैं बोली, आपकी और मेरी बात शुरू होते ही मेरी और आपकी वाइफ की बात ज्यादा हुई, इसलिए आपकी वाइफ और मेरे बीच दो बहनों का रिश्ता हो सकता है। इस नाते मैं आपकी साली साहिबा हो जाऊंगी, फिर तो आप मजाक भी कर सकते हैं, क्योंकि बस से मैं आपको देख रही हूँ, आपकी इंटेंशन मुझसे दोस्ती करने की नहीं बल्कि साली जैसा रिश्ता रखने की है, क्योंकि जब कोई इंसान पीछा करता है तो उसकी ओर ध्यान तो जाता ही है। मैंने देखा आप क्या चाहते हैं, वो दोस्त से तो नहीं मिल सकता, हाँ साली से जरूर मिल सकता है। इस पर उसकी वाइफ बोली, क्या मतलब? मैं बोली, मतलब छेड़छाड़ भरा प्यार, परेशान करने वाला प्यार, साली की अटखेलिया। मेरी बात सुनकर हम तीनों बहुत जोर से हंसे, एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए, फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी। लेकिन इतने टाइम में एक बात कॉमन थी, उस लड़के की आंखों में मेरे लिए हवस, और मैं इस बात को भांप गई थी। उस लड़के का नाम अतुल था और उसकी वाइफ का नाम मीनू, और मेरा नाम तो आप जानते हैं ही माया। अब उसकी वाइफ मेरी ओर से बेचिंता थी, लेकिन उसको अपने पति का डर था। खैर छोड़ो, उसके बाद स्टैंड तक हम लोग साथ आए और वो अपने घर, मैं अपने घर। रात को ही अतुल का मैसेज आया, क्या हो रहा है जानू? मैं बोली, ओहो एक ही दिन में जानू? वो हंसने लगा। मैं बोली, तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या चल रहा था आज दिन में? मैं उसी टाइम भांप गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूले। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।